हेलो इंजीनियर दिशो प्रशांति। तो आज आपके लाए हैं एक बहुत ही बढ़िया गैजेट जो है एक रोबोट का हैंड। और ये जो रोबोट का हैंड है एक्चुअली में मूविंग करेगा, आपके जो मसल है हाथों के जो मसल है उस मसल को सेंस करके ये मूविंग करेगा। मतलब हम लोग जिस प्रकार से हाथ को मूविंग करते हैं उसी प्रकार से ये जो कि डुप्लीकेट करेगा। मतलब किसी किसी का हाथ एक्चुअली में नहीं होता है तो उनका जो मसल है मसल को हम लोग सेंस करके एक रोबोट का हाथ लगा सकते हैं। लगाने के बाद वही मसल के जरिए हम लोग किसी भी चीज को उठा सकते हैं, नॉर्मल चीज को उठा सकते हैं, क्योंकि इसका जो सर्व है बहुत ही कमजोर है, इसलिए नॉर्मल चीज को हम लोग पकड़ के उठा सकते हैं। तो इस पर और भी मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। करने के बाद इसका जो सेंसर है वो सेंस हम लोगों को इस पर फिट करना होगा। मतलब किसी भी चीज को अगर पकड़ेगा तो ये सेंस करके जो कि अपने आप पता चल जाएगा वो किसी को पकड़ा है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा एक गैजेट है। तो हम लोग देखते हैं किस प्रकार से इसको हम लोग घर पे बना सकते हैं और बहुत ही इजी से हम लोग इसको बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाई LTM.com। यहाँ पे आप लोग आसानी से स्केमिक बना सकते हैं, पीसीबी डिजाइन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के गड़बड़ फाइल, बोम फाइल, ये सब कुछ आसानी से क्रिएट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर पे। इस सॉफ्टवेयर के ट्रायल के लिए नीचे दिया हुआ लिंक पे क्लिक करें। तो अभी तो हमने ये रोबोट को देखा है तो किस प्रकार से एक्चुअली में काम कर रहे हैं। अगर आपको इसके बारे में और भी जानना है, मतलब इसके अंदर कौन सा पार्ट एक्चुअली में लगा हुआ है, तो वो मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा, लेकिन बहुत ही फास्ट करके दिखा दूंगा। अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो ऊपर जो आइकॉन बटन है इस पर क्लिक करके आप वहां पे जा सकते हैं और इस रोबोट का हाथ को किस प्रकार से बनाया है वो डिटेल्स वीडियो आपको मिल जाएगा इस पर क्लिक करके। तो अभी चलिए ये जो रोबोट का हैंड है इसके अंदर जो सर्किट है सर्किट को हम लोग फिट करेंगे। फिट करने के बाद हमारे जो मसल है मसल के जरिए किस प्रकार से एक्चुअली में काम कर रहे हैं, कौन सा सेंसर लगाया है, सब कुछ आपको डिटेल्स में दिखा दे। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। रोबोट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्टिवेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्किट को अभी कंप्लीट कर दिया है। इस पर जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो सेंसर है उसको मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से हमने इसको लगाया है। तो ये जैक की तरह हमने इसको बिठा दिया है। इस पर हम लोग जो कि सेंसर को लगाएंगे और यहाँ पे एक एटीएमए का लगा दिया है जिसके जरिए ये कंट्रोल होगा। और यहाँ पे जो पिन है पिन के अंदर हम लोग सर्वो को सभी सर्वो को फिट करेंगे और ये एक्चुअली में 5 वोल्ट हम लोग इसमें प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको 12 वोल्ट प्रोवाइड करना है तो 7805 IC लगाना होगा। लगाने के बाद ये एक्चुअली में 12 वोल्ट में काम करेगा। तो अभी चलिए इसको हम लोग रोबोट के हाथों पे फिट करेंगे। फिट करने के बाद हम लोग इसको टेस्ट करके देखेंगे किस प्रकार से काम कर रहे हैं। तो चलिए अभी इसको फिट करते हैं।
अभी जो आप यहाँ पे रोबोट का हैंड देख रहे हैं, ये एक्चुअली मूविंग करेंगे जो हमारे जो हाथ है, हाथ के जरिए। यहाँ पे आपने देखा है जो कि मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का सेंसर लगाया है 3, तो मसल के जरिए ये एक्चुअली में काम करेगा। तो मैं आपको डेमो दिखाऊंगा, और ये जो हाथ आप देख रहे हैं, इस हाथ को अगर बनाना है तो मेरा पिछला एक वीडियो है, उस पर जाके आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये जो हाथ है इसको मैंने बनाया है। और इस पर ज्यादा कुछ नहीं लगा हुआ है, सिर्फ जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो ये सेंसर है इसको मैंने लगाया है, जिसके मदद से मसल को सेंस करके ये एक्चुअली में काम करेगा। और आपको इसका जो प्रोग्रामिंग है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको यूज कर सकते हैं। तो अभी आपको डेमो दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने हाथ को यहाँ पे रख दिया है, तो जब भी जो भी उंगली मूविंग करेंगे वो इस पे काम करेगा। तो देखिए, तो ये काम कर रहे हैं, और जो हमारे जो ये वाला उंगली है, जो थंब है, ये एक्चुअली में काम कर रहा है, लेकिन इसका जो वायर है वो शायद लूज हो गया है। देखिए ये साउंड कर रहा है, लेकिन ये एक्चुअली में अभी शायद लूज हो गया है, तो इसको ठीक करना पड़ेगा। तो आपको पूरा का पूरा दिखाता हूं। तो ये बहुत ही अच्छे से काम करते हैं, देखा आपने, बहुत ही अच्छे से ये काम कर रहे हैं। तो हम लोग इसके जरिए, जो कि मसल के जरिए, हम लोग किसी भी रोबोट के हैंड को यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से ये काम करते हैं। तो देखा आपने किस प्रकार से आसानी से हम लोग एक मसल के जरिए हम लोग सेंस करके एक रोबोट का हाथ को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, बाय।